वेलकम टू सबूरी किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है गोली इडली। व्हाइट बॉल की तरह दिखती है, या यूं कह सकते हैं बिना रस वाले रसगुल्ले, लेकिन नमकीन, खाने में बहुत ही लाजवाब। तो चलिए इस अमेजिंग डिलीशियस डिश को कैसे बनाते हैं देखते हैं। पैन में 1 कप पानी गर्म करेंगे, इसमें स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच घी डालेंगे। चम्मच से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि नमक और घी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। पानी में उबाल आने पर 1 कप चावल का आटा डालकर मिक्स करेंगे। स्पैचुला से प्रेस करते हुए मिक्स करते जाएंगे ताकि चावल के आटे में लम्स ना पड़े। बहुत आसानी से स्मूथ मिक्सचर बन गया है। अब ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक लो हीट पर पकाएंगे। इसको एक डो के रूप में तैयार करना है। इसके लिए हल्का गर्म हो तभी मिलाएंगे, थोड़ा मैश करेंगे, गुठलियां अगर बाकी है तो निकल जाएंगी। हाथ से मिश्रण को मिलाएंगे, जिस तरह रोटी का आटा तैयार करते हैं वैसे ही डो तैयार करेंगे। दोनों हाथों में पहले थोड़ा सा तेल लगाकर रब करेंगे ताकि चावल का आटा हाथों में चिपके ना। तैयार किए हुए डो में से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे, दोनों हाथों की सहायता से चिकना स्मूथ बॉल बनाएंगे। छोटी छोटी गोलियों के रूप में इसी तरह से सारी गोलियां तैयार करेंगे। देखिए, थोड़ा सा दबाकर दिखाती हूँ गोली कितनी सॉफ्ट है। लेकिन इस गोली से गोली इडली बनाने के लिए हम इसे स्टीम कुक करेंगे। एक कढ़ाई में पानी बॉईल करेंगे, इसके ऊपर जारी रखेंगे, इसमें तेल से चिकना करेंगे ताकि गोलियां चिपके नहीं। एक एक करके सारी गोलियां जाली के ऊपर रखेंगे। अब ढक्कन लगाकर करीब 10-12 मिनट तक इसको पकाएंगे। गोलियां तो पक गई थी, लेकिन सभी जानते हैं चावल को पकने में देर लगती है, इसीलिए हमें इसको और पकाना पड़ेगा, नहीं तो दांतों में चिपकेगी। राइस बॉल्स अच्छी तरह से पक गई हैं, आपस में चिपक भी नहीं रही हैं। अब हम इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। बिल्कुल रसगुल्ले की तरह दिख रही है ना। इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें बघार लगाएंगे। पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, इसमें 1 चम्मच राई, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून सफेद तिल, सभी को मिलाएंगे। 1/4 चम्मच हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर सारी चीजों को 2-3 मिनट तक पकाएंगे। आँच हम धीमी ही रखेंगे ताकि सारी चीजें अंदर से पक जाएं और जले भी ना। अब सारी गोली इडलियाँ जो पककर तैयार हैं इसमें मिलाएंगे और सारी चीजों को मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें इनके ऊपर से अच्छी तरह से कोट हो जाएं। दिखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है कि आपको बनाकर ही टेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डालकर गार्निश करेंगे। वाह, तो लीजिए, 1 टेबलस्पून तेल में लाजवाब गोली इडली बनकर तैयार है। प्लेट में हरी चटनी, लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। जब मन करे तुरंत बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।